हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आइए आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। इस चैप्टर में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स एंड द नेक्स्ट वन इज द एप्लीकेशन। तो पहले चैप्टर में हम सीखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का हम यूज कैसे करेंगे और दूसरे में उसको कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो सीखेंगे। पहले हमें क्या विधि अपनानी पड़ेगी, पहले चैप्टर में हमें उसके बारे में देखना है कि कौन सी टेक्निक किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ताकि हम ये सीख सकें कि हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और किन चीजों को हम बेटरली यूज करेंगे। इस चैप्टर की बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास नीट के पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस मिलेंगे और 5 से 6 अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो सबसे पहली चीज जो है हमारे दिमाग में बायोटेक्नोलॉजी का नाम सुनते आ रही है वो क्या, कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोटेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब है हमारे पास लाइफ, और टेक्नोलॉजी से तो हम समझते ही हैं कि दैट टेक्निक्स या टैकलिंग करने का तरीका टू लाइफ, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी। अगर बात करें डेफिनेशन की तो ये एक फील्ड है बायोलॉजी की दैट डील्स विद या दैट मेक्स यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी एज वेल एज द एप्लीकेशन टू द लिविंग बींग्स। सिंपल सी बात है, अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम ये टेक्नोलॉजी अपना क्यों रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ को और बेटरली कर सके। जैसे कि हमने कुछ अपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है अबाउट द माइक्रोब्स, या फिर मैं बात करूँ फूड प्रोडक्शन की, तो हमने उस चैप्टर में सीखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ऑन दैट बेसिस मैं बायोटेक्नोलॉजी को डिवाइड कर सकती हूँ एक ओल्ड व्यू में और एक मॉडर्न व्यू में। ओल्ड व्यू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया की यूटिलाइजेशन कैसी है। बैक्टीरिया जो है हम यूज करते हैं फॉर कर्ड्स, ठीक है, कर्डिंग के लिए जो है लैक्टोबैसिलस हमारा जो है बैक्टीरिया आ जाता है जो उसकी क्या करवाता है, कर्डिंग करवाता है। नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बात की थी यीस्ट की, तो वो वहां पर हम यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। या माइक्रोब्स जो है हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एसोसिएशन करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। या बायो कंट्रोल एजेंट्स की मैं बात करूं, जैसे हमने साइक्लोस्पोरिने की बात की थी, तो ये सब चीजें जो है ये आता है हमारा ओल्ड व्यू। बट मॉडर्न व्यू ये कहता है कि हम उन्ही चीज को यूटिलाइज करें बट इन अ बेटर वे। मतलब कहने का ये कि एक है हमारे पास डिजायर्ड चीज। अब जैसे हमने फूड प्रोडक्शन में पढ़ा कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन के करते करते हमारे पास अनडिजायर्ड करेक्टर्स भी आगे आ जाते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी हम डिजायर्ड करेक्टर्स पे ही फोकस करेंगे, तो सिर्फ हमारे पास डिजायर्ड करेक्टर्स ही आगे आएंगे। अब हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि हम क्या क्या तौर तरीके लें कि हमें सिर्फ वो डैट पीस ऑफ डीएनए ही मिले। तो डैट मीन्स कि ये सब टेक्नोलॉजी जो है वो रिलेटेड है क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, और साथ साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या होगा, बेहतर। तो ये आती है हमारे पास क्या, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में साथ ही ये बात कहूं कि वैक्सीन है हमारे पास, या IVF टेक्निक की बात करते हैं हम लोग, दैट मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात कर रही हूँ। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड जो है इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि हम जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो बाहर कर सकते हैं, मतलब लैब्स में कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है। रिसेंट में हमारे पास कोरोना वायरस टॉपिक चल रहा है, उसके लिए जो वैक्सीन प्रोड्यूस करवाई जा रही है दैट इज ऑल्सो फ्रॉम दिस बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर बायोटेक्नोलॉजी आ गया है, हम समझ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, तो नेक्स्ट बात आती है हमारे पास यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के फादर की बात करूं तो यहां पर हमारे पास आते हैं कैरोली अरिकी, ही इज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इंडियन फादर कौन है, इंडियन फादर वो हमारे पास आ जाते हैं किरण शाह। तो ये दोनों जो हैं हमारे पास जो हैं ये क्या हैं, दे आर द फादर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस फॉर्म में आगे बढ़ाया है। फिर एनसीईआरटी की अगर हम बात करते हैं, जहां से क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में मेंशन है यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन ऑफ
EFB. And what is EFB? EFB stands for European Federation. European Federation of Biotechnology. तो आइए जानते हैं EFB आगे क्या कहना चाहती है. According to EFB, that is European Federation of Biotechnology, कहती है कि biotechnology जो है ये एक integration है. Integration है किस किस के बीच की? Natural sciences और organisms के बीच की. That means ये एक connection create करती है natural science का towards the organism, उनके cell के बारे में, cell के parts के बारे में और molecular level पर जाकर. और मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर जो अगर हम बात करेंगे तो उसके प्रोडक्ट्स बनेंगे और वही प्रोडक्ट्स जो हैं यूज किए जाएंगे फॉर द ह्यूमन वेलफेयर. तो उनको हम क्या करेंगे? सर्व करेंगे फॉर द ह्यूमन वेलफेयर के लिए. क्लियर? तो सबसे पहले हमने ये जाना कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या. ये वो ब्रांच है बायो की या वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है डीएनए मैनिपुलेशन के साथ, आरएनए मैनिपुलेशन के साथ. ये हमारा एक मॉडर्न कंसेप्ट है. क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारे साथ किस तरीके से नेक्स्ट फील्ड में जो है इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, तो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी जो है जैसे मैंने अभी कहा डीएनए की मैनिपुलेशन में हमारे पास ये काम कर रही है. देन टिश्यू कल्चर टेक्निक. टिश्यू कल्चर टेक्निक की बात करें तो हमने बोला हम प्लांट का कोई भी एक पार्ट जिसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, कोई भी एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल अगर हम ले रहे हैं, एट द सेम टाइम हम पूरी की पूरी प्रोजेनी जो है फील्ड में ग्रो करवा रहे हैं, तो दैट टेक्निक इज द टिश्यू कल्चर टेक्निक. जहां हम एक टिश्यू को लेकर कल्चर करवा रहे हैं और एट द सेम टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोजेनी बन रही. फायदा क्या है इससे? फायदा ये है टिश्यू कल्चर से, एडवांटेज ये है कि जो सीड, जैसे हम सीड लगाया, अब सीजन और क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो फेवरेबल है या नहीं, तो सीड जो है जर्मिनेट होगा या नहीं ये क्वेश्चन रहेगा. लेकिन थ्रू दिस टेक्निक हम क्या देख सकते हैं, पर्टिकुलरली हमने लैब्स में वो सारी इन्वायरमेंटल कंडीशंस दी. कंडीशंस देने के बाद जो है हमारा प्लांटलेट ग्रो किया. एक तो हम जो चुनेंगे तो डिजायर्ड चुनेंगे ताकि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, हाई यील्डिंग के लिए हो और हाई प्रोडक्शन हो, यही हमारी डिमांड है. तो टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है इस चीज को क्या करेगा? ओवरकम करेगा और साथ ही साथ ये कह सकते हैं उस चीज के ऊपर खरा उतरेगा. नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की. तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट जो है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है? सेल वॉल को निकाल दो, रिमूव द सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल को अगर हम निकाल दें तो हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ सेल वॉल. और बाकी क्या बचेगा हमारे पास? दैट इज द सेल मेम्ब्रेन प्लस उसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलोगे. इन सब चीजों को एक्युमुलेट करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाना, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था एग्जांपल बोमैटो, तो ये हमारे पास टेक्निक है जहां हम हाईली टेक्निकली जो है टमाटो और ब्रिंजल को इकट्ठा बना रहे हैं, या पोमैटो जहां पर हम पोटैटो और टोमेटो को एक ही प्लांट को इकट्ठा क्या कर रहे हैं? ग्रो करवा रहे हैं. तो ये है हमारी इंपॉर्टेंस बायोटेक्नोलॉजी की. आगे बात करते हैं इम्यूनोलॉजी की. इम्यूनोलॉजी से मतलब क्या है? इम्यूनिटी. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी भी बोल सकते हो, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम. तो इम्यून सिस्टम को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि इम्यून सिस्टम, एक पर्सन का अगर इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, जैसे कि वहां पर लिम्फोसाइट्स नहीं है, तो हम ऐसी क्या टेक्निक यूटिलाइज करें कि वहां पर लिम्फोसाइट्स की जनरेशन हो जाए. तो अगर हम इम्यूनोलॉजी को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, हमें पूरा कंसेप्ट होगा व्हाट आर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स, तो वहां से हम इम्यून सिस्टम को बेटरली समझ पाएंगे. और जब हमने बेटरली समझ लिया, जीन समझ लिया कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, तो बायोटेक्निक की वजह से हम उस चीज को ऑल्टर कर सकते हैं, हम उस चीज की मैनिपुलेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की. तो दो टर्म्स आ गई हैं, बायो एंड केमिस्ट्री. बायो मतलब लाइफ है और उसके साथ मॉलिक्यूल्स की बात मैंने की, तो मॉलिक्यूल्स में हमारे मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री आ जाएगी कि मॉलिक्यूल्स किस तरीके से उनके साथ
एडहर कर रहे हैं। मतलब कहने का ये कि अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोटीन्स की बनी हुई हैं। प्रोटीन्स ही जो है फंक्शनली एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर में या कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर में कोई भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेट मीन्स कोई और ग्रुप आकर सब्सिट्यूट हो जाता है, तो स्ट्रक्चर ऑल्टर कर जाएगा। स्ट्रक्चर ऑल्टर करने से जो है सारी की सारी उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के हिसाब से कि वहां पर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा है। मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट का अगर हमें पता होगा तब जाकर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के साथ वो किस तरीके से जो है हम ऑल्टर कर सकते हैं। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एंड माय फेवरेट वन, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जहां पर हम इंजीनियर्स तो बन चुके हैं लेकिन किसके इंजीनियर्स हैं हम यहाँ पर, जहां पे हम जीन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात कर रही हूँ, जीन की बात मैंने की, तो एक फंक्शनल सेगमेंट जो है जो कोई इंफॉर्मेशन इम्पार्ट करता है हम उसको जीन बोलते हैं, हमें पता है। अब यहां पर हम उसी केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर उसके हम ऑल्टरेशन करवा रहे हैं, दैट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेल बायोलॉजी की बात करें तो सिमिलरली बात वैसी है कि सेल बायोलॉजी को समझने के लिए हमें सेलुलर लेवल तक पहले हमें हर एक ऑर्गेनल का पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है ये चीज डील आउट करती है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड जो है वो कितना वास्ट है। अगर हम लोगों को सब्जेक्टिव इन चीजों के बारे में पता होगा तो हम रिसर्च वर्क में कितनी चीजें जो है बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग आ गई उसी तरीके से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ गई उसी तरीके से कि ये सब्जेक्ट्स जो है वो इसके साथ क्या है, वो रिलेटेड है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ पर है, कॉन्ट्रीब्यूशन में हमने जैसे अभी वैक्सीन की बात की मैंने, आफ्टर डैट प्लांट टिश्यू कल्चर की बात की मैंने, ये टेक्निक अभी हम आगे पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टेक्निक कि किस तरीके से हम नया रिकम्बाइन करेंगे, मतलब दो डीएनए को आपस में कंबाइन करके बनाएंगे, वो टेक्निक के बारे में हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? देन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमलिन। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की देन इतनी है कि हम लोग परेशान थे, मोस्टली हम देखते आए हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन जितनी भी आ रही है, जो पुराने जमाने को देखो लोगों का खाने का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग था और हेल्दी था, अब लाइफस्टाइल चेंज होने के साथ जो है उनमें डायबिटीज की प्रॉब्लम हम कॉमनली सबकी सुनते आ रहे हैं। अब जैसे जैसे डिमांड जो है इसका मतलब इंक्रीज होगी, अब हमें मालूम है कि हमारे पास कौन से सेल्स, पेंक्रियाज की बात कर रही हूँ, पेंक्रियाज में हमारे पास कौन से सेल्स, बीटा सेल्स, वो क्या करते हैं, दे विल सिक्रीट द इंसुलिन। अब वो इंसुलिन जब सिक्रीट कर रहे हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं तो हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे, कंट्रोल। लेकिन अगर हम डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, इसका मतलब हमारी शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही है। दो कॉज हो सकते हैं, आइदरली कि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या दूसरी बात ये हो सकती है कि इंसुलिन जो है हमारा उसके रिसेप्टर्स पर्टिकुलरली काम नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है। लेकिन अब इस चीज को क्या करना है, डिमांड को हमने क्या करना है, पूरा तो करना है। अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो उस चीज को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाते हैं, एक लोता हमारे पास एक बैक्टीरिया है जहां हम हर जगह उसको लेके चल पड़ते हैं, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज ईकोलाई, बहुत काम का बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के थ्रू हमने बहुत सारी प्रोडक्शन आगे सीखनी है। तो इस ईकोलाई में हम वो जीन जो है ह्यूमन से उठाकर डाल देते हैं, जहां से वो क्या करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन करता है। अब देखो एक एक बंदे को लिए इंसुलिन तो निकालेंगे नहीं, इसका मतलब हमें लार्ज स्केल में उसकी प्रोडक्शन चाहिए। लार्ज स्केल की प्रोडक्शन जो है हम नंबर ऑफ बैक्टीरिया जब वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो अपने साथ साथ क्या करेंगे, क्लोनिंग करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इंसुलिन। एंड दिस वन इज द ह्यूमलिन जो कि पहला इंसुलिन था। क्लियर? देन आईवीएफ टेक्निक के बारे में बात की मैंने अभी, तो ये सारी की सारी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास किसकी, हमारी बायो टेक्नोलॉजी की। क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, मेन फोकस ऑन द चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल्स। क्या क्या प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स जो है हमें चुनने पड़ेंगे फॉर द स्टडी ऑफ द बायो टेक्नोलॉजी।
तो पहला आते हैं, हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या बोल रहा है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनिशिएट द इंसेप्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, पहला जाता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड देन सेकेंड वन इज द केमिकल इंजीनियरिंग। तो जैसे मैंने पहले बात की कि जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है हमारे पास वो क्या है, जहां पे हम ऑल्टरेशन करवा रहे हैं। देखो यहाँ पर हम ऑल्टर करवा रहे हैं, किसको ऑल्टर करवाना है हमने यहाँ पर, ऑर्गेनिज्म को, दैट मीन्स हम उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे। तो हमने क्या करना है उसका, वी हैव टू डू इज द जेनेटिक मेकअप। लेकिन जेनेटिक मेकअप क्या कोई ब्रश लगा के मेकअप नहीं करना है, जेनेटिक मेकअप हमको कैसे करना है यहाँ पर, बाय ऑल्टरिंग द जीन्स। दैट मीन्स हमको काम करना पड़ेगा डीएनए और आरएनए की सीक्वेंस को जानकर। अगर हमें डीएनए आरएनए सीक्वेंस के बारे में पता है, जैसे कि इसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की स्टडी के थ्रू हम ह्यूमंस का पूरा पता है कि कौन सा जीन कहाँ है। वैसे ही हमारे पास हर एक डेटा अवेलेबल है कि किस ऑर्गेनिज्म के पास सीक्वेंसिंग कैसे है। तो बाय दैट हम उसको स्टडी जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऑल्टरेशन जो है हमको कहाँ करनी है, नॉर्मल डीएनए कैसा है और जो चेंज आई है वो कहाँ पर किस तरीके से आई है। तो वहां से हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, उस जीन को क्या कर देंगे, वहां से ऑल्टर कर देंगे। तो हमने वही चीज यहाँ पर कही है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, द अंडरलाइन प्रिंसिपल यूज इन दिस प्रोसेस इज टू ऑल्टर द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म बाय मॉडिफाइंग द जेनेटिक मेकअप। तो आप कह सकते हो इसको बाय ऑल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ द जीन्स, दैट इज द डीएनए और आरएनए, मतलब रिस्पेक्टिव में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है डिपेंड करता है उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा। और यहां पर हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में। केमिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो बायोटेक्नोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो हम मेकअप चेंज करवा रहे हैं, ऑल्टरेशन करवा रहे हैं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को वहां पर क्या चाहिए, स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। स्टेराइल एनवायरनमेंट जो है, ये इंसर्टिव लाइन लिखी है, दैट मींस कंटामिनेशन फ्री। मतलब आप एक कल्चर ग्रो करवा रहे हो, आपको वैक्सीन्स बनानी है, आपको एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करवानी है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे कि कौन सा बैक्टीरिया वहां पर है और आपने वहां का एसेप्टिक कंडीशंस नहीं रखी हैं, तो इसका मतलब दूसरा माइक्रोबियल एक्टिविटी भी वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। तो जो आप बनवा रहे हो या बना रहे हो वो एज सच वहां पर सीक्रेट नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ जो है वो क्या हो जाएंगी, दूसरी केमिकल्स की प्रोडक्शन भी आ जाएंगी। तो वो रिजल्टेंट हो सकता है हानिकारक हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमारे पास, हमें मालूम है जैसे बैक्टीरिया है वो कॉल्सिनोजेंस जो है वो सिक्रेट करता है, दैट मीन्स टॉक्सिन सिक्रेट करता है। तो क्या पता आपका कौन सा माइक्रोब उसके साथ आकर एडहर हो चुका है या वहां पे आकर वो प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, अपनी क्लोनीज बनाना शुरू हो गया है। जब वो क्लोनीज बनाने शुरू हो जाएगा तो सिक्रीशन भी करेगा, हो सकता है वो सिक्रीशन जो है इनटेक करोगे तो वो हमारे लिए क्या हो जाए, हानिकारक, दैट मीन्स हार्मफुल। तो यहाँ पर हम जो चीज फोकस में रखते हैं वो क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल जो इंजीनियरिंग है is a scale of operation as the mostly the products from the biotechnology are low on volume of biochemicals and high on value। मतलब उसको large scale production में किस तरीके से हमको produce करवाना है, ये नहीं कि जिसको produce करवा रहे हैं उसकी value कम है और जिसको नहीं करवाना है वो amount ज्यादा हो जाए तो वो हमारे किसी फायदे का नहीं है। तो chemical engineering में हमें ये point को ध्यान में रखना है कि sterile conditions वहां पर maintain होनी चाहिए। Then इसी तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी हम कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये स्कोप इंक्रीज करवा रहा है, कहाँ कहाँ पर, हमारी फार्मेसी में, दैट मीन्स ड्रग्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, मेडिसिनल वैल्यू। देखो हम ह्यूमंस हैं, हमें मालूम है हम जो भी चीज करते हैं हम वो अपनी बेटरमेंट के लिए ही करते हैं, ये चीज तो क्लियर है। अब वो बेटरमेंट मेनली दो चीजों के लिए होती है, एक हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है उसको हम इनहांस करवाना चाहते हैं और दूसरा मेडिसिनल वैल्यू। ये दोनों अगर बेटर होगी तभी जो है लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली थोड़ा और क्या हो जाएगा, बेटर लाइफ स्पैन, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। ठीक, क्लियर। क्योंकि पहले अगर देखोगे जमाने में तो तब क्या होता था कि जो हमारे पास फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी,
ठीक है, खाना पूरा नहीं होता था, फेमाइन कंडीशंस आ जाती थी, फ्लड्स आ जाते थे, लेकिन अब टेक्निक से ऐसा है कि हम उस ओवर पॉपुलेशन भी है इवन उस चीज को भी हम क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास है कि उस डिमांड को हम कंप्लीट कर पाते हैं थ्रू दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो है बनाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करके ताकि हम उसको क्या कर सकें, यूज कर सकें। देन या फिर हम अगर ऐसे बात करते हैं कि हमारे पास जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, हम उनको भी ठीक कर सकते हैं अगर हमें डीएनए के सीक्वेंस के बारे में नॉलेज है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो रही है कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप इन फ्यूचर इसमें पार्ट लोगे तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि आप रिसर्च फील्ड में इसमें बहुत सारे मतलब बहुत सारे फील्ड्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। आप बायोटेक्नोलॉजी को जानने लगोगे, जीन्स को जानने लगोगे, तो समझो आप अपने आप को मॉलिक्यूलर लेवल पर जानने लगोगे कि आप कहाँ से ओरिजिनेशन, आपका कहाँ से कहाँ तक आपकी लाइफ सिंपल से कॉम्प्लेक्स किस तरीके से मूव कर रही है। तो सेम वही चीज यहाँ पर बात की है कि हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन हैज गिवन एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी, दोनों क्वालिटी भी चाहिए और क्वांटिटी भी चाहिए। तो एग्जाम्पल आगे इसमें वैक्सीन्स, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स जो है हम क्या करवा रहे हैं, रिलीज करवा रहे हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास था आज के लिए कि जर्नल हम किस तरीके से जो है बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमने इंट्रो दे समझा आज कि बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड वर्क कहाँ कहाँ तक है, किस तरीके से इस चैप्टर में हमें इंडल्ज होना है, किस किस टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है, हमें नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे क्या बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेस है हम सीखेंगे उसमें कि डीएनए, क्योंकि हमने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की बात की थी। मैंने रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी अगर मैंने बोला तो मैंने अब हवा में तो नहीं ना बात बोलेंगे कि पीस ऑफ डीएनए को कलेक्ट करके लाओ, उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए कि किस तरीके से हम डीएनए को कट करेंगे, कोई तरीका होगा कि डीएनए को आइसोलेट कैसे करना है। तो उसके लिए पहले एक बंदा चुनना है कि जिसका डिजायर डीएनए चाहिए, एक चीज। दूसरा, निकालोगे कैसे, दूसरी चीज। इसका मतलब उसके लिए एक टूल एंड किट रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी कि कैसे उसको कट करके निकालोगे, दो। तीसरी चीज, लेना कैसे, उसके डायरेक्ट डाल देने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, या कोई वेक्टर चाहिए हमें या कोई कैरियर चाहिए हमें जिसके थ्रू हम वहां पर उसको पहुंचाएंगे, तीन। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस होस्ट में डाल के उसको प्रोड्यूस करवाना है वो चीजें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके बारे में कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है हम उस टेक्नोलॉजी को टैकल कैसे करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, होप आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच।